चलो देखो बेटा, आज हम लोग कंपनी अकाउंट में करेंगे डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। हेडिंग लिखिए सब लोग, इश्यू ऑफ शेयर किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर ये हम लोग का आज का टॉपिक है। हाँ चलो, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर में लिखना शुरू करिए। हम लोग के टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर। आ जाओ बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर। लिखिए बेटा, सबसे पहले कंसेप्ट वन, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। सबसे पहले लिखिए सिचुएशन वन, इसमें लिखिए डिबेंचर्स इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इश्यूड एट पार रिडीमेबल एट पार। लिखिए इसमें पहली एंट्री फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बीइंग एप्लीकेशन मनी कलेक्टेड। बी पॉइंट में लिखिए फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू एंट्री होगी इसकी बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू
डिबेंचर अकाउंट। हो गया, चलो अब एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए जरा। ध्यान से बेटा सुनना, सब लोग देखो सामने। हम लोग बेटा कंपनी अकाउंट अकाउंट्स में हम लोग कर रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स। और कंपनी अकाउंट्स में आपने किया पिछला चैप्टर इशू ऑफ शेयर, देखो तो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने किया था इशू ऑफ शेयर, आज हम लोग कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। तो देखो कंपनी अकाउंट में हम लोग के सिलेबस में जो डिबेंचर है, डिबेंचर के बारे में बेटा दोनों चीज़ें हम लोगों के पढ़ना है। हमें पढ़ना है डिबेंचर का इशू कैसे होता है, हमें पढ़ना है डिबेंचर का रिडम्पशन कैसे होता है। दोनों चैप्टर हम लोगों के पास है सिलेबस में। पहले ओल्ड कोर्स में खाली इशू होता था, अब न्यू कोर्स में उन्होंने इशू और डिबेंचर का रिडम्पशन दोनों डाल रखा है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। पढ़ना दोनों है, इशू भी और रिडम्पशन भी, दोनों करना है। इशू और रिडम्पशन में रिडम्पशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इशू की अकाउंटिंग वैसे होती है जैसे हम लोगों ने शेयर में पढ़ा था। चलो तो एक तो ये बात हो गई कि क्या क्या है सिलेबस में, इसको तो इशू और ये रिडम्पशन दोनों करना है, ये अलग चैप्टर करेंगे, ये अलग चैप्टर है। अब यहाँ आओ, अब समझते जरा इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या हुआ। तो देखो बेटा जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, किसी कंपनी को पैसे चाहिए, तो बेटा ये कंपनी की मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि वो पैसे कहाँ से लेके आएंगे। तो कंपनी कंपनी में जो कैपिटल लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड। अदर देन कंपनी में जब हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर कर रहे हैं, कोई और चैप्टर कर रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ आप कैपिटल बोलते हो, यहाँ हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी में जो भी पैसा लगा है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अब देखो अगर किसी कंपनी को कैपिटल के लिए पैसे की ज़रूरत है तो उनके पास दो चॉइसेस होती हैं, एक इक्विटी और एक होता है बेटा डेट। क्या क्या बोला मैंने, क्या क्या चॉइसेस है? इक्विटी और डेट। नोटिस करना मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा, खाली इक्विटी लिखा। इक्विटी का मतलब होता है मालिक। क्या इक्विटी का मतलब हो गया? मालिक। मालिक मतलब शेयर होल्डर। और आप सबको पता है शेयर होल्डर होते हैं दो, चाहे इक्विटी शेयर या हो गया प्रेफरेंस शेयर। तो जब कंपनी इक्विटी शेयर को इशू करके पैसे लाएगी तो बोलेंगे कि इक्विटी से पैसा लाया जा रहा है। प्रेफरेंस शेयर को इशू करके पैसे लाएगी तो क्या बोलेंगे? इक्विटी से पैसा लाया गया। ये दोनों किस चीज़ के पार्ट हैं? इक्विटी के, ठीक है। और बैलेंस शीट भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में आपने, तो उसमें पढ़ा था ना इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इक्विटी वहीं पर शेयर होल्डर फंड्स में दोनों हम लोग लिखते हैं। अब आगे बेटा अगर कंपनी इक्विटी से पैसे ना ले, मतलब किसी को मालिक ना बनाए, लोन ले ले कंपनी, कंपनी लोन ले ले, ठीक है, लॉन्ग टर्म का लोन ले ले, शॉर्ट टर्म नहीं, तो उसको बोलते हैं डेट। अब डेट से कई जगह से कंपनी पैसे ला सकती है। नंबर एक, कंपनी बैंक से लोन ले ले। नंबर दो, कंपनी अपने डिबेंचर इशू कर दे। नंबर तीन, कंपनी अपने बॉन्ड इशू कर दे, अपने बॉन्ड इशू कर दे। तो बेटा अब हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं अगर कंपनी लोन नहीं, हम पढ़ने जा रहे हैं अगर कंपनी ने डिबेंचर या बॉन्ड इशू किया तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। बोलो यहाँ तक समझ में? अगर बैंक से लोन लेंगे तो जैसे मान लो कंपनी को 100 करोड़ चाहिए तो 100 करोड़ एक ही आदमी से मिल जाएगा, एक ही बैंक से मिल जाएगा। लेकिन अगर डिबेंचर से करेंगे तो वही पैसा हम कई लोगों से लेंगे। फिर से एक बार बताओ, जो कंपनी में पैसे लगते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हो? जैसे बचपन में पढ़ा था कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, तो कंपनी के केस में क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स। और एसेट्स दो पड़े थे, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स, समझ आए? तो
तो अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या? एक डेट और एक इक्विटी। तो इक्विटी में कौन कौन आ गया? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अरे मालिक का क्या क्या होगा? शेयर मालिक का है, जो रिजर्व रखा है उस पर भी तो मालिक का ही अधिकार है। तो इक्विटी में क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, वो मिलके बनाते हैं इक्विटी, समझा? और बाहर से अगर पैसे लेंगे आउटसाइडर से तो उसको बोलेंगे डेट। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो इसमें आएगा, शॉर्ट टर्म के लेंगे तो करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, समझा? तो हम पढ़ रहे हैं, अगर कंपनी की मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया पैसा तो चाहिए लेकिन लोन से नहीं लेंगे, डिबेंचर इशू करेंगे। अब वो चाहे डिबेंचर इशू करें चाहे बॉन्ड इशू करें, दोनों का एक ही मतलब है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इशू ऑफ डिबेंचर। अच्छा अब आगे सुनिएगा, आगे देखो बेटा। अब इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब होता क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, इस कंपनी ने जो शेयर इशू करने का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस है इसका भी। क्या क्या? नंबर एक, पहले प्रोस्पेक्टस आएगा, समझा है ना, मार्केट में एडवर्टीजमेंट किया जाएगा कि इनके डिबेंचर का इशू आ रहा है, पब्लिक जो इंटरेस्टेड होगी वो आएगी। तो जो भी लोग इनके पास आएंगे, मान लो इनके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तीन लोगों में मैं समझा रहा हूँ, ए बी और सी, तीन लोगों ने डिबेंचर खरीदा, तो ये तीनों लोग क्या करेंगे? कंपनी को पैसे देंगे। मान लीजिए एक डिबेंचर 100 रुपए का है, एक डिबेंचर 100 रुपए का है, ए ने खरीदा, बी ने खरीदा, सी ने खरीदा, तो क्या हुआ? ए बी और सी इन तीनों ने, ए बी और सी इन तीनों ने कंपनी को पैसे दिए, बदले में कंपनी क्या करेगी? इनको एक सर्टिफिकेट दे देगी, समझ आया? इसी सर्टिफिकेट को क्या बोलते हैं? डिबेंचर सर्टिफिकेट, या यही हो गया डिबेंचर। बोलो समझ में आया? क्या हो गया? ये डिबेंचर हो गया। अब बेटा फायदा क्या है इनका? इसी पे लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन। अब इसमें लिखा होगा कि जब तक ये डिबेंचर कंपनी के पास रहेगा तब तक कंपनी इस पे एज्यूम कर लो 10% का इंटरेस्ट पे करेगी। कितने का बेटा? क्योंकि अगर कंपनी बैंक से लोन लेती तो इंटरेस्ट पे करती कि नहीं करती? तो कंपनी ने बैंक न प्रेफर करके पब्लिक से लोन ले लिया। जब पब्लिक से लोन लेते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? इश्यू ऑफ डिबेंचर। बोलो समझ में? तो अब क्या होगा बेटा? पब्लिक का फायदा क्या है? जो मिस्टर ए ने, जो मिस्टर बी ने, जो मिस्टर सी ने ये डिबेंचर खरीदा 100 रुपए का, तो उनको 100 रुपए का 10%, 10 रुपए हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा। क्या मिलता रहेगा? इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपए इन लोगों ने कंपनी को दिए, कंपनी ने 3 साल तक अपने पास पैसा रखा, तो 100 रुपए का 10%, 10 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ, 10 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ, 10 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ, और 3 साल बाद इनके पैसे कंपनी ने वापस कर दिया, तो इनको अपना पैसा भी मिल जाता है और बीच में उसमें इंटरेस्ट मिल जाता है, समझ आया ना? तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये फायदा है। बोलो सबको यहाँ तक बात समझ में आई? तो जब यहाँ कंपनी पैसे लेती है तो हम इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। क्या बोलते हैं इसको? इश्यू ऑफ डिबेंचर। और जब कंपनी पैसे वापस कर देती है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, समझ आए? जब पब्लिक से पैसे लिए तो क्या बोलेंगे? इश्यू ऑफ डिबेंचर। और जब पब्लिक के पैसे वापस कर दिए तो क्या बोलोगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। दोनों ही अपने चैप्टर, दोनों ही अपने सिलेबस में है, डिबेंचर इशू भी, ये भी रिडम्पशन भी, हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर। बोलो सारी कहानी समझ में आ गई? अब आते हैं बेटा एंट्री कैसे बनती है। तो एंट्री बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे होगी जैसे हम लोग शेयर के केस में एंट्री करते थे, एंट्री बिल्कुल वैसे होगी जैसे हम लोग शेयर के केस में एंट्री करते थे। बताओ मुझे, शेयर में जब पैसे हम लोग लेते थे शेयर इशू करके, तो कितनी स्टेजेस होती थी? बताओ। पहला, बोलो सब लोग, पहली स्टेज एप्लीकेशन स्टेज, दूसरी अलॉटमेंट स्टेज, तीसरा मान लो एक कॉल फाइनल कॉल करा देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो अगला कॉल सा हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंट्री बताओ, एप्लीकेशन की एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर अगला बताओ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर अगला बताओ अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कॉल की बताओ बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बोलो क्या होगा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगली एंट्री बताओ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऐसे होता था ठीक, वैसे ही डिबेंचर से भी पैसा लिया जाता है। पहले
डिबेंचर होल्डर एप्लीकेशन खरीद के लेके जाएगा, फिर उसको डिबेंचर अलॉट किया जाएगा और फिर उससे कॉल के पैसे मांगे जाएंगे, बिल्कुल सेम। अच्छा अब बताओ, क्या कभी एप्लीकेशन ड्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। तो वैसे शेयर की एप्लीकेशन जैसे ड्यू नहीं होती, वैसे डिबेंचर की भी एप्लीकेशन ड्यू नहीं होती। तो जब जब एप्लीकेशन बिकेगी तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, जहां शेयर था वहीं क्या आ गया, डिबेंचर आ गया। अलॉटमेंट होगा तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल जैसे शेयर में पढ़ा था वैसे एंट्री मूव करेगी। कॉल करी आपने डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, पैसा मिल गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो ये बात समझ में, ठीक है। लेकिन अब क्या था बेटा, हम लोग का जो शेयर था, शेयर या तो हम पार पे इश्यू कर सकते हैं या तो प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे होता नहीं था। किस पे इश्यू होता था? प्रीमियम पे। डिबेंचर में अलग अलग केसेस हैं, तो इसलिए हम ये सारी एंट्री एक साथ नहीं पढ़ सकते, हम धीरे धीरे टुकड़ों में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी दो ही एंट्री आपको लिखवाई है, समझ आए? तो जैसे शेयर का इशू होता है वैसे किसका इशू होगा, डिबेंचर का इशू होगा। बिल्कुल वैसे ही एंट्री ऐसे ही चलेगी जैसे आपने वहां पढ़ा था, इसीलिए ठीक शेयर के बाद हम लोग ये वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, अब जैसे शेयर को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, उस पर रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन डिबेंचर को कर सकते हैं, इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके अलग अलग टॉपिक्स हैं, वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो क्या है, नंबर एक, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। क्या लिखा है बेटा, डिबेंचर इशूड एट पार फिर रिडीमेबल एट पार। इसका मतलब क्या हुआ, सब बच्चे सामने देखो, इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे सुनो, मैंने आप लोगों को डिबेंचर इशू किया, आपने खरीदा, तो मेरा 100 रुपए का डिबेंचर है, मैं 100 रुपए में ही आपको बेच रहा हूं। डिबेंचर कितने का है, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। कितने में दे रहा हूं, 100 में इशू कर रहा हूं। इशू करने का मतलब जब आपको डिबेंचर दूंगा तो आपसे 100 रुपए लूंगा, और जब टाइम खत्म हो जाएगा आपको वापस करूंगा, रिडीम करूंगा, तो ही 100 ही रुपए करूंगा। पार पे इशू किया, पार पे रिडीम किया, ना ज्यादा ना कम। समझ में आया बेटा? तो ये कंडीशन हुई डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। बोले यहां तक ठीक है बेटा? ठीक है, तो अब क्या एंट्री होगी, जब हमने एप्लीकेशन का पैसा लिया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अभी बताया ना, जैसे शेयर में नहीं होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अभी पढ़ा नहीं था? अच्छा, फिर वहां पढ़ते थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां शेयर कैपिटल थोड़े ना, डिबेंचर का पैसा टुकड़ों में लिया जाएगा, ट्रांसफर कहां होगा, डिबेंचर में। तो पहली एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री हुई डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। बोलो समझ में, यहां तक क्लियर हो रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। हाँ, अब एक बात और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब ये सोचने वाली बात है, बताओ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इशू ऑफ डिबेंचर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर? आप पढ़ रहे हो इशू, लेकिन पहले ही केस में क्या शुरू हो गया, रिडेम्पशन। ये क्यों हो गया, ये इसलिए हो गया, अभी अगले केस में आएगा। जैसे बताओ, मैंने आज आपको डिबेंचर इशू किया, बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आज आपको डिबेंचर इशू किया, अभी अगले केस से आएगा कि 100 में मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, वापस करूंगा 110। कितना वापस करेंगे, तो डिबेंचर इशू करते ही मेरा 10 रुपए का नुकसान तय हो गया कि नहीं, बोलो। और हम लोग अकाउंटिंग किस कंसेप्ट से करते हैं, प्रूडेंट कंसेप्ट से। किससे, प्रूडेंट में क्या लिखा है, प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम। भविष्य में होने वाले नुकसान लिख लो, लेकिन इनकम नहीं लिखी जाएगी, समझ आए? तो अगर भविष्य में कोई नुकसान होना है तो वो आज ही लिखा जाएगा, फिलहाल इस केस में तो नहीं है, लेकिन अगले से भी आना शुरू हो जाएगा, समझ आए? इसीलिए आप एंट्री पढ़ रहे हो इशू की, लेकिन साथ साथ क्या चल रहा है, रिडेम्पशन भी चल रहा है। हम देख के चल रहे हैं कि भविष्य में कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, अगर होगा तो वो अगर निश्चित है तो उसकी अकाउंटिंग आज से ही शुरू हो जाएगी, समझ में। तो पहला केस है डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। 100 का डिबेंचर था, 100 में इशू किया, 100 में रिडीम किया, तो कोई आगे चल के नुकसान वगैरह होना नहीं है। तो सिंपल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर।
आगे बढ़े, आगे चलो। अब अगला लिखो जरा, सिचुएशन नंबर टू लिखिए। सिचुएशन नंबर टू, चलो अब लिखिए इश्यू ऑफ डिवेंचर का सेकंड सिचुएशन लिखो। इसमें सेकंड सिचुएशन क्या है लिखिए, डिवेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। रिडीमेबल एट पार, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सामने देखिए। इसका मतलब हमारे डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए की है, लेकिन जब हम इशू कर रहे हैं तो 100 की जो फेस वैल्यू है उसको मान लो 10 रुपए के डिस्काउंट पे, कितने पैसे पे इशू कर रहे हैं, 90 पे। ये हमने डिस्काउंट दे दिया 90 पे, लेकिन जब हम पैसे वापस करेंगे तो वापस कितना करेंगे, पूरा 100 रुपए। समझ में आया क्या मतलब है? डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, हम कितने में इशू कर रहे हैं, 100 से कम में। कुछ भी डिस्काउंट हो सकता है ना, 100 से कम में। हमने मान लिया 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो पब्लिक से हम कितने पैसे लेंगे, 90 रुपीज। लेकिन इनको वापस कितने करेंगे, 100 रुपए। और लेकिन इंटरेस्ट किस पे देंगे, हमेशा फेस वैल्यू पे। किस पे, चाहे पार पे इशू करो, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे, हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे लगेगा। समझ आए, हमेशा लगेगा फेस वैल्यू पे। तो इसका मतलब ये हुआ। अब बताओ बेटा, अब एंट्री तो वही होगी लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा ना। एंट्री तो वही होगी, अब 100 के बदले में कितना मिलेगा, 90 रुपए मिलेगा ना। लिखिए एंट्री, पहली एंट्री, ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बींग डिबेंचर इशूड, सेकेंड एंट्री, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट या लॉस भी लिखते हैं इसको हम लोग, ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर being debenture allotted being debenture allotted being debenture allotted। हो गया। मुझे एक बात बताओ, शेयर का पैसा कितनी बार में लेते थे बेटा हम लोग, कितनी स्टेजेस थी, कौन कौन सी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल थी। तो डिबेंचर में भी क्या क्या है,
एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और कॉल है। लिख लिया है तुमने? अब ध्यान से मेरी बात सुनो, स्क्रीन पे देखो। देखो बेटा, चाहे कंपनी शेयर इशू करे, चाहे कंपनी डिबेंचर इशू करे, चाहे कंपनी शेयर इशू करे, चाहे कंपनी डिबेंचर इशू करे, डिपेंड करता है कंपनी पे। क्या डिपेंड करता है? अगर उनको तुरंत पैसा चाहिए तो सारा पैसा एक ही बार में ले लेते हैं, वन टाइम। समझा? सारा पैसा कितनी बार में लेते हैं? एक बार में। तब एंट्री क्या होती है? सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे याद करो, री इशू जब होता था तो एक ही बार में पैसा नहीं लेते थे। री इशू में कौन सा डिस्काउंट देते थे? 10 का शेयर 8 रुपए में दिया तो 8 रुपए इकट्ठा नहीं ले लेते थे। समझा? तो वो डिपेंड करता है कंपनी पे। एक बार में इशू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर स्टेजेस में पैसा लेंगे तब वो एंट्री चलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू। समझा? ठीक वैसे डिबेंचर में होता है, या तो वो स्टेजेस में पैसे लें या तो वन टाइम ले लें। समझा है बेटा? वन टाइम लेंगे तो एप्लीकेशन और किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं, सीधा पैसा क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो एप्लीकेशन बेचा अभी, मतलब तो अब यहाँ देखो, डिबेंचर में भी ऐसे होगा, या तो वन टाइम में पैसे ले लें या तो स्टेजेस में ले लें। तो यहाँ जो एंट्री अभी पढ़ाई थी हम लोगों ने लिखा था, ये वाली, ये एज्यूम करके लिखा था कि पैसा कैसे लिया जा रहा है, स्टेजेस में लिया जा रहा है। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर एक ही बार में ले ले तो ये इस तरीके से होता है। देखो, 100 रुपये का डिबेंचर था, एक ही बार में पूरा 100 रुपये एप्लीकेशन पे ले लिया, तो क्या एंट्री हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, और ये पूरा 100 रुपये कहाँ चला गया? डिबेंचर में। इसीलिए यहाँ अलॉटमेंट की बात ही नहीं है, वहीं तुरंत अलॉट कर दिया। समझ में आ रहा है? दूसरा बेटा यहाँ देखो, अब यहाँ 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 रुपये का हम लोग का डिबेंचर था, तो अब ये मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए, तो अब बताओ यहाँ मैंने क्या समझाया था? फेस वैल्यू हमारे डिबेंचर की 100 रुपये थी, इशू कितने में किया? 90 में, और वापस कितने करेंगे? तो वापस, वापसी में तो कोई नुकसान नहीं है, जो फेस वैल्यू है वही तो वापस कर रहे हो ना। लेकिन अब यहाँ बेटा, जब हमें एप्लीकेशन मिलेगा तो बताओ 100 रुपये के डिबेंचर के अगेंस्ट कितना पैसा मिलेगा आपको? 100 मिलेगा या 90 मिलेगा? तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, यहाँ मिलेगा हमें 90। ठीक है, फिर आगे डिबेंचर एप्लीकेशन कितने से डेबिट होगा? लेकिन डिबेंचर में हमेशा कितना जाएगा? फेस वैल्यू। शेयर में भी यही होता था, चाहे पार पे करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या जाता था? फेस वैल्यू जाती थी। तो यहां भी क्या जाएगा? फेस वैल्यू जाएगी। और हमने ये जो डिस्काउंट दिया, ये एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड है ना? बोलो, एक तरीके से क्या है डिस्काउंट? डिस्काउंट अलाउड, हरदम डेबिट होता था, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता था, तो ये अलाउड है तो वो डिस्काउंट यहीं पे डेबिट कर दिया जाएगा। लेकिन अब अगर खाली डिस्काउंट लिखोगे तो ये और बाकी डिस्काउंट से जाके मिक्स हो जाएगा। बाकी जो डिस्काउंट हम लोग सेल के टाइम पे देते हैं, किसके टाइम पे? वो रेवेन्यू नेचर का होता है। किस नेचर का बेटा? मतलब वो छोटा होता है, और अक्सर सेल तो दिन भर में चल रही है, न जाने कितनों को हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ये कैपिटल नेचर का डिस्काउंट होता है। किस नेचर का? तो इसको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हैं और फिर धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। अभी चैप्टर के आखिरी में इसका कंसेप्ट आएगा। समझ आए? क्या करते हैं? ये जो डिस्काउंट है ये किस नेचर का है? कैपिटल नेचर का है। किस नेचर का? रोज थोड़े ना डिबेंचर इशू होता है, 2-4-10 साल में एक बार कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो वो जो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट भी तो हैवी होगा। समझ आए? अरे आजकल देखते नहीं हो, 35,000 करोड़, 40,000 करोड़ का इशू आता है, तो 40,000 करोड़ पे 10% भी दे दिया तो हैवी डिस्काउंट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो कहाँ तक? उसको पीएल में लिखेंगे, घाटे में आ जाएंगे, उतना फायदा ही नहीं होगा। तो क्या करते हैं? ले जाके बैलेंस शीट में लिखेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा उसमें से राइट ऑफ कर करके ला के पीएल में लिखेंगे। तो इसलिए इसको खाली डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखा जाता है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या लिखोगे? और आगे चल के अभी इसको बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्या बोलोगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अरे नुकसान ही तो है ये, जब एक से ज्यादा नुकसान होंगे तो डिस्काउंट ना लिख के हम लोग लॉस लिखना शुरू कर देंगे। समझा है? फिर इसका होगा क्या? आखिरी में चैप्टर के ये कंसेप्ट आपके पास आएगा कि इसको हम कैसे करते हैं। इसका बिल्कुल एसेट की तरीके से होता है। जैसे बताओ, प्लांट खरीदते हो तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखते हो, फिर डेप्रिसिएशन धीरे धीरे लाके डेबिट करते हो। वैसे ये पूरा जाके कहाँ जाएगा? एसेट साइड में, फिर थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ होगा आके पीएल में। कैसे होगा? अभी आखिरी में होगा। समझ में है? पहला केस क्या था? डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। दूसरा क्या है? डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट
पर मतलब 100 का डिबेंचर कितने में इशू किया है? 90 में, और वापस कितने करेंगे? 100 करेंगे। बेटा किसी क्वेश्चन में अगर डिबेंचर का अमाउंट ना लिखा हो, किसका अमाउंट, तो अपने आप से एज्यूम कर लेना है 100 रुपये डिबेंचर और बॉन्ड में, और डिबेंचर बॉन्ड प्रेफरेंस शेयर तीनों का 100 रुपये, इक्विटी का 10 रुपये। ठीक है, ऐसे याद कर लो, इक्विटी का 10, बाकी सबका 100। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो ऐसे ही अपने क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमने सेकंड एंट्री पढ़ी, आगे बढ़ो जरा, सेकंड एंट्री हो गई। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि वन टाइम पैसे ले रहे हैं या इंस्टॉलमेंट्स में पैसे ले रहे हैं? चलो देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा हाँ, अब ये देखो, मैं कह रहा था आपको कैसे पता चलेगा कि डिबेंचर वन टाइम में है या अलग अलग स्टेजेस पे। तो अगर क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल वगैरह की बात करेगा तो इसका मतलब स्टेजेस पे, तो एंट्री वैसे होगी। अगर एक ही बार में पैसे की बात करेगा तो सब कुछ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, नहीं एप्लीकेशन बेचा सीधा डिबेंचर अलॉट कर दिया। समझ आया? पढ़ो अभी ये क्वेश्चन क्या लिखा है सामने, देखिए लिखा है, अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच। अब ये देखो जरा, ये ऐसे बेटा चैप्टर में हमेशा मिलेगा, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो 1 करोड़ ये डिबेंचर का नंबर है, क्या है ये नंबर है कि 1 करोड़ डिबेंचर इशू किया, ये पैसा नहीं है। और ये 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि जो इसको खरीदेगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा कितने परसेंट से? 8% से। और ये उसकी फेस वैल्यू है, एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। समझ आए? ये डिबेंचर लिखने का तरीका है, पहले क्या लिखा जाएगा? नंबर, फिर क्या लिखा होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर क्या लिखा होगा? उसका अमाउंट या फेस वैल्यू। समझ में आए? अगर हमें जानना है ये कितने का है तो इसका मतलब हम लिखेंगे 1 करोड़ और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये डिबेंचर हुआ। और इस पे इंटरेस्ट वो लोग कितना पे कर रहे होंगे? 8%, तो ये इतना इस पे इंटरेस्ट जा रहा होगा। समझ में है? बोलो क्लियर हो रहा है? डिबेंचर अलग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किससे रेट अलग होगा? जैसे ये वाला 8% है, हो सकता है कोई कंपनी 10% इशू करे दोबारा, फिर 12%, तो 8% वाला एक हो गया, 10 वाला अलग हो गया, 12 वाला अलग हो गया, एंड सो ऑन। समझ में है? तो जो पहले लिखा है वो नंबर है, बाद में क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसके बाद क्या है?
फेस वैल्यू है। और ये रेट लिखना बहुत जरूरी है, डिबेंचर की पहचान उसी रेट से ही होती है, क्योंकि डिबेंचर आप कैसे भी इशू करोगे, एंट्री तो वही होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो 8% वाले को हम लोग लिखते हैं टू 8% डिबेंचर, 9% वाले को 9% डिबेंचर, वही उसकी पहचान है। समझ में है? पढ़ो क्या लिखा है, कह रहे अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो मेरे तरफ देखो, डिस्काउंट और प्रीमियम क्या बोला मैंने, हमेशा फेस वैल्यू से निकालोगे। किससे निकालोगे? फेस वैल्यू कितनी है और डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 10% का, तो कितने में जा रहा होगा, 90 का एक होगा। ठीक है, आगे रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल बाद इसको रिडीम करेंगे। कह रहा है मनी वॉज रीपेबल एट एज फॉलोज एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब देखो ये दो स्टेज में पैसा ले रहे हैं तो कैसे एंट्री बनेगी बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा लेंगे। दिख रहा है ना क्वेश्चन में? और यही मान लो ये ना लिखा होता, बस लिखा होता ₹100 एक साथ ले लिए, तो बस एक ही बार में एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, खत्म। एप्लीकेशन पे सारा पैसा लेके डिबेंचर अलॉट कर दिया। समझ आया? ठीक है, तो अब बेटा आइए, इसने कहा है उसने कहा है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर, इशू की एंट्री बनाओ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू लिखो, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड लिख लिया। अब ये देखो जरा बेटा सामने देखिए, देखो 1 करोड़ डिबेंचर इशू किए हैं और ये ₹30 ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो 1 करोड़ को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 30 करोड़ मिलेगा। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा, 30 करोड़। समझ आए? तो अब दो चॉइसेस हैं, या तो हम ऐसे कर दें, चलो अब यहां पे लिख दिया ये 30 करोड़ मिलेगा तो ये हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, यहां लिख दो फिगर्स इन करोड़, ऐसे कर दिया, अब ये डायरेक्ट हो गया 30 करोड़। समझ आ रहा है ना? नहीं तो उसमें भी तो टाइम जाएगा ना बार बार जीरो लगाने में। समझ में आ रहा है? बहुत सारे जीरो हो तो शॉर्ट कर दो ऊपर कि फिगर इन लैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। तो ये 30 करोड़ का डिबेंचर इशू हो गया, ऊपर हमने लिख दिया फिगर्स इन करोड़, तो एप्लीकेशन पे मिल गया इतना। अब इसको ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर में, तो लिखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर। अब ये 30 करोड़ हमने ट्रांसफर कर दिया, यहां आया कैसे, ये 1 करोड़ डिबेंचर पे ₹30 लिए बींग एप्लीकेशन मनी, बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर, बींग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। तो ये तो एप्लीकेशन हो गया, अब जरा आगे देखो अलॉटमेंट के बाद। देखो यहां क्या लिखा है, ₹60 ये लोग अलॉटमेंट पे ले रहे हैं। बताओ अलॉटमेंट का पैसे पहले पैसा मिलेगा या अलॉटमेंट ड्यू होगा? ड्यू होगा, तो अब हम लोग पहले ड्यू करेंगे। तो लिखिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सामने देखो सब बच्चे, ये बताओ इस क्वेश्चन में डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? बोलो सब लोग, फेस वैल्यू कितनी थी, कितने में इश्यू कर रहे हो? 10% के डिस्काउंट पे ना। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो डिस्काउंट अलॉटमेंट पे हम लोग देंगे। कब दोगे? शेयर में भी तो यही होता था, प्रीमियम, प्रीमियम किस पे चार्ज करते थे, कुछ ना लिखा होता, अलॉटमेंट पे। भाई कम ज्यादा पैसा कहाँ लोगे, जो इंटरेस्टेड होगा, जिसको अलॉट करोगे उसी से तो कम ज्यादा लोगे, समझ आए? तो इसीलिए एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं लिखा, कहाँ लिखेंगे? अलॉटमेंट के टाइम पे। अरे 60 और 30 90 रुपये ही तो हो रहा है, ये तो 100 का है ना बेटा, ठीक है? तो अब ये पता नहीं चल पा रहा है डिस्काउंट कब दिया, तो कहाँ लेके चलोगे? अलॉटमेंट पे। तो आप जब ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर। ठीक है, अब ये देखो बेटा, 1 करोड़ डिबेंचर पे 60 रुपए लिए हैं अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 60 करोड़ तो ये हो गया। 1 करोड़ डिबेंचर पे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 10 ये हो जाएगा और 70 रुपीज चले जाएंगे डिबेंचर में, 70 बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, अब पैसे कलेक्ट कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट पूरे 60 रुपीज हमें मिल गए अलॉटमेंट के, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट कलेक्टेड। बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट कलेक्टेड, तो क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो, क्वेश्चन में अगर कुछ ना लिखा हो तो हम लोग हमेशा डिस्काउंट किस पे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे, डिस्काउंट को डेबिट किया जाएगा। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन। अब नोटिस करो, देखो एक बार डिबेंचर में 30 रुपए भेजा और एक बार यहाँ पे हम लोगों ने 70 भेजा, तो 70 और 30 100 हो गया ना। और मैंने अभी क्या बताया था, चाहे पार पे इशू करो, चाहे प्रीमियम पे, चाहे डिस्काउंट पे, जाएगी उसमें फेस वैल्यू। डिबेंचर में क्या जाएगा? फेस वैल्यू जाएगी, फेस वैल्यू हमने भेज दिया। आया समझ में सबको? आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब लिखिए सिचुएशन 3, अब लिखिए सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 लिखिए, डिबेंचर, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर को इशू किया है प्रीमियम पे, रिडीम करेंगे पार पे। देखो इसका मतलब क्या हुआ, सामने देखिए, इसका मतलब है डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए की है,
लेकिन जब हम इशू कर रहे हैं तो फेस वैल्यू 100 रुपए की तो है, हम इस पे प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम मान लो 10 रुपए का, तो हम इशू करेंगे 110 में, लेकिन जब हम इनके पैसे वापस करेंगे, रिडीम करेंगे, तो हम 100 रुपए ही वापस करेंगे। तो इसको बोलते हैं इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। बोलो समझ में? ठीक है, अब बेटा आइए इसकी एंट्री बनाते हैं। तो इसकी एंट्री करोगे तो सबसे पहली एंट्री, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। Being application money received, अगर इसको ट्रांसफर करें, when application money is transferred, तो हो गया बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, being application money transferred, अब allotment due करो, when allotment is due, तो entry होगी debenture allotment account debit डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे शेयर को इशू करने पे एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता था, वैसे डिवेंचर को इशू करने पे भी एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में ही जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू और जब ये पैसे मिल जाएंगे, व्हेन अलॉटमेंट इज कलेक्टेड तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी कलेक्टेड बीइंग अलॉटमेंट मनी कलेक्टेड। यहाँ पे हम लोगों ने अज्यूम किया है कि हमें अलॉटमेंट मिला, हमें प्रीमियम मिला अलॉटमेंट के टाइम पे। प्रीमियम कब कलेक्ट किया है? अलॉटमेंट के टाइम पे। कॉपी कर लिया? अब यहां देखो सामने, अगर प्रीमियम ले लें एप्लीकेशन के टाइम पे, कब बेटा? एप्लीकेशन पे। तो 100 का डिबेंचर है, 110 में आप दे रहे हो, तो 110 कहां ले लोगे? एप्लीकेशन के टाइम पे। तो अगर यहां लोगे तो 110 से यह डेबिट होगा, तब यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए आएगा। समझ आया ना? अगर एप्लीकेशन के टाइम पे लोगे तो जो हम एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करते हैं वहां पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और अलॉटमेंट के टाइम पे लोगे
तो जैसे अलॉटमेंट में होता था ड्यू करते टाइम वहीं पे एप्लीकेशन में जाएगा, समझ आ रहा है? तो ये हुआ हमारे पास इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। क्वेश्चन थर्ड पे आइए, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, चलो देखो क्या लिखा है बेटा। लिखा है के लिमिटेड इशूड 1,15,10% डिवेंचर ऑफ ₹50 ईच। जरा बताओ ये 15 लाख क्या है, 15 लाख क्या है, 10% क्या है और ₹50 क्या है फेस वैल्यू। जब क्वेश्चन में दी है तो कुछ भी हो जाएगी, नहीं दिया होगा तो ₹100 होगा। क्वेश्चन में जो लिख देगा वही सही है, नहीं लिखा होगा तो किसका किसका, प्रेफरेंस शेयर का, बॉन्ड का और डिवेंचर का, इन तीनों का हमेशा कितना मान के चलोगे, ₹100, और इक्विटी का ₹10। और जब जो उसको देना होगा तो जब जो क्वेश्चन में लिखा है तो वही सही है। तो के लिमिटेड ने 15 लाख डिवेंचर इशू किया ₹50 का एक, प्रीमियम एट 10%, अच्छा पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अच्छा तो अब जरा देखो एक बार कितने का डिवेंचर हुआ, ₹50 का, कह रहे हैं ₹20 एप्लीकेशन पे लेंगे, तो इसका मतलब बचा हुआ जो ₹30 है वो कहाँ लिया जाएगा, अलॉटमेंट में। और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो ₹5 का प्रीमियम भी हम लोग कहाँ लेंगे, अलॉट, क्योंकि 50 का शेयर 55 में जा रहा है ना बेटा डिवेंचर। अब इन्होंने बताया डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। और ये देखो लिखा है व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन, प्रीमियम कहाँ ले लिया, एप्लीकेशन पे, तो अभी सिखाया नहीं था एप्लीकेशन पे होगा तो क्या करोगे, ठीक है तो आइए एंट्री करते हैं। तो इसका मतलब चलो समझ लो, जरा बताओ फिर से बताओ कितने का डिवेंचर है, ₹50 का, कितना प्रीमियम ले रहे हो ₹5 का, 10% कितना हुआ ₹5, तो कितने में दे रहे हो, 55 में, बोलो। अब ये पैसा कैसे कलेक्ट कर रहे हो, दो स्टेज पे, एक एप्लीकेशन पे और एक अलॉटमेंट पे। तो ये ऐसे कह रहे हैं देखो ₹50 का है, 20 एप्लीकेशन पे, 30 अलॉटमेंट पे, और ये जो ₹5 का प्रीमियम है ये कहाँ लिया है, एप्लीकेशन पे, तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा लिया होगा, ₹25 लिए होंगे ना, समझ में, एप्लीकेशन पे कितना लिया होगा, ₹25। आइए एंट्री बनाते हैं, लिखिए पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो बेटा 15 लाख डिबेंचर पे ₹25 लिए, ठीक है। अच्छा चलो एक छोटी सी चीज और देख लो फिर हम लोग फिगर्स लिखना शुरू करें। एक और बार देखो बेटा, बताओ कितने का डिवेंचर है, ₹50 का, और एप्लीकेशन पे कितना लिया हमने, ₹20। और ये देखो यहां क्या लिखा है, प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी, प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब इसी ₹20 में वो ₹5 इंक्लूडेड है, समझ में आ रहा है? फिर से बताओ कितने का है डिबेंचर हम लोग का, ₹50 का, एप्लीकेशन पे कितना लिया इन्होंने, ₹20, और कह रहे हैं इसी में एप्लीकेशन उसका प्रीमियम का भी है, तो ₹15 होगा एप्लीकेशन का, ₹5 किसका होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो 20 तो ले चुके हो। और 50 वाला कितने में इशू किया था, 55 में, 55 में से 20 ले चुके हो, तो कितना बचा, 35 कहाँ लेंगे, अलॉटमेंट पे। कैसे पता चला ये 5 इसमें है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, साफ साफ यहां लिखा है बेटा पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, और यही लिखा है 55
प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी, तो उसी 20 रुपए में क्या है, 5 रुपए इंक्लूडेड है, समझ आया। तो अब हम लोग एंट्री ऐसे करेंगे, यहां आ जाओ, तो इसका मतलब 15 लाख को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 रुपए से, कितना आएगा, 3 करोड़। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अब इसको ट्रांसफर करोगे, अब इसको ट्रांसफर करोगे तो यहां एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, दिया है कितने परसेंट डिबेंचर है, 10%, तो 2 10% डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तीन करोड़ मिला है एप्लीकेशन पे, तो उसको पहले डेबिट करो। अब इसमें से फेस वैल्यू वाला डिबेंचर में, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में, तो 15 लाख डिबेंचर पे 15 रुपए के हिसाब से फेस वैल्यू में जाएगा, 15 लाख डिबेंचर पे 5 रुपए के हिसाब से ये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, 2 करोड़ और यहां जाएगा 75 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर में, ठीक है। अब आगे बेटा अलॉटमेंट ड्यू करो, तो यहां लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 10% डिबेंचर, 2 10% डिबेंचर, तो 15 लाख डिबेंचर पे कितना पैसा बचा था, 35 रुपीज ले लिए हम लोगों ने, कितना आएगा ये, 5 करोड़ 25 लाख। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू और जब ये पैसे मिल जाएंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट 5 करोड़ 25 लाख। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया।
तो हम लोगों ने करा तीन सिचुएशन, आइए सिचुएशन फोर पे। सिचुएशन फोर लिखिए, डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ अगर फेस वैल्यू हमारे डिबेंचर की 100 रुपये है तो हम इसको इशू कर रहे हैं पार पे 100 पे, लेकिन इसको रिडीम करेंगे 110 पे। 100 रुपये होगा फेस वैल्यू का, 100 रुपये होगा फेस वैल्यू का और सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 10 रुपये का। हम वापस करेंगे 110 रुपये। डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, जब हम इसको इशू करेंगे तो कितने पे इशू करेंगे, 100 रुपये पे, लेकिन वापस कितने करेंगे, 100, जितने लिए उससे ज़्यादा। वो तो क्वेश्चन में बताएगा ना कि प्रीमियम कितना है, हमने यहाँ एज्यूम कर लिया कि 10% का प्रीमियम है। जब कंपनी का डिबेंचर नहीं बिकता, ये क्या है, लोन ही तो ले रहे हो, बोलो बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो ऐसे लालच दिया जाता है, कहते हैं 100 के बदले में कितना वापस करेंगे, 110 देंगे और ब्याज अलग देंगे, तो पब्लिक को लगता है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो इसमें पैसे लगा, जितना लगा रहे हैं उससे ज़्यादा मिल रहा है, ब्याज अलग मिल रहा है तो फायदा है, तो पब्लिक खरीदती है, समझ में है, ये इसलिए किया जाता है, बोलो क्लियर है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी, आइए शुरू करते हैं। हाँ, अब लिखना शुरू करो, पहली एंट्री फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, उसको जगाओ बेटा, तुझे ढंग से बैठो, उठो वहां से, आ गया हो, टाइम पास करने आ रहे हो तुम लोग। उठो फटाफट, जल्दी उठो, यहाँ आओ, आगे यहाँ आओ बेटा, हाँ बैठो, लिखना शुरू करो। लिखिए, फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड सेकेंड एंट्री लिखिए, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी एंट्री होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट।
being allotment due, being allotment due. अच्छा, ये ट्रांसफर वाली एंट्री रह गई. ये जो है बेटा इसको लिख दो एट द टाइम. ये जो बी वाली एंट्री है ये अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री लिख ली हम लोगों ने. ये हो गया, इसको कर लो सी. ये ए है, इसको सी कर लो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तो ये एंट्री हो गई. अब यहां बी एंट्री यहां कर दे रहे हैं ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी अगर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर being application money transferred, being application money transferred. Last entry, when allotment is collected, जब अलॉटमेंट को कलेक्ट किया गया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट कलेक्टेड बीइंग अलॉटमेंट कलेक्टेड. हो गया. चलो अब देखो, एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो एकदम ध्यान से बेटा. देखो इसी डेटा से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. सब लोग देखिए सामने. सपोज करिए हम लोग का 100 रुपए का डिवेंचर है. इशू किया हम लोगों ने 100 में, लेकिन वापस कितने करेंगे? 110. ऐसा कंपनीज क्यों करती हैं? क्योंकि डिवेंचर का इशू सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता. अरे जैसे वहां नहीं पड़ा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. एक बार पैसे खर्च करके डिवेंचर इशू किया, पब्लिक ने खरीदा ही नहीं, तो बेकार हो गया ना सब. तो ऐसा लालच दिया जाता है कि हमारे सेक्टर की कंपनी 10% का इंटरेस्ट दे रही होंगी, हम 12% का देंगे. वो पार पे रिडीम करेंगे, हम प्रीमियम पे करेंगे, तब तो आदमी खरीदेगा. समझ आए? तो इसलिए ऐसा किया जाता है. अब ध्यान से सुनिए, 100 रुपए का डिबेंचर है, 110 हम वापस करेंगे, 100 में हम इशू कर रहे हैं. और ये देखो ऐसे. अब मान लो इसमें 20 रुपए ले रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन पे, बाकी का बचा 80 रुपए हम लोग ले रहे हैं अलॉटमेंट पे. ठीक है, अब देखते हैं एंट्री कैसे होगी. तो पहले एप्लीकेशन बिकेगा, कितना पैसा मिलेगा? 20 रुपीज. तो क्या एंट्री हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन. और फिर इसको ट्रांसफर कर दोगे डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर. बोलो यहां तक ठीक है? अच्छा, अब आगे. अब बारी आई इसकी अलॉटमेंट की. किसकी बारी आई? अलॉटमेंट की. अब सुनो बेटा, जब तक अलॉटमेंट नहीं होता, जैसे बताओ जब आपने बीकॉम में एडमिशन लिया तो आप भी कई कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्टस खरीद के लाए, लेकिन जरूरी थोड़े ना हर जगह एडमिशन ले लिया. जहां एडमिशन लेने गए वहीं तो आपने डिस्काउंट की बात करी होगी. समझ आए? तो डिस्काउंट की बात कब होती है? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. कब होगी? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. जरूरी नहीं है जिसने एप्लीकेशन खरीदा, भाई पैसा हम किस्तों में ले रहे हैं, अगले ने एप्लीकेशन खरीदा अलॉट नहीं करवाया, नहीं समझ में आया आगे उसके. समझ आए? तो हमेशा ये
अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्काउंट वगैरह की बात होगी, डिस्काउंट की, प्रीमियम की, आप ही बताओ ना। जैसे कई कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्टस खरीदे होंगे, लेकिन जहां एडमिशन लिया उसी कॉलेज ने या तो आपकी फीस कम करी होगी या आपसे ज़्यादा पैसे लिए होंगे। बोलो, ज़्यादा ले लिए तो प्रीमियम पे सीट मिली, कम ले लिए तो डिस्काउंट पे मिली, वही तो हो रहा है। लेकिन वो कब होगा? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कब होगा? समझ आए? इसीलिए हमने उस 10 रुपए का कुछ नहीं किया, अभी पहले ये ले लिया। अब आओ देखो, अब अलॉट हो रहा है। अब बताओ अलॉटमेंट पे हम कितना रुपए ले रहे हैं? 80 रुपए। कितना रुपए? तो ये देखो, अब एंट्री देखना ध्यान से, इसी में गड़बड़ होता है। देखो अब हम ऐसे लिखेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ये देखो ये मत, क्या लिखा हमने? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यही तो एंट्री होती थी। फिर ये 80 हमने ले लिया तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। बोलो, सारी एंट्री समझ में आ गई जो मैंने काटा है उसको छोड़ के? ठीक है। अब बेटा सुनो, अब जैसे ही आपने यहां किसी को डिबेंचर अलॉट किया, तुरंत आपका 10 रुपए का नुकसान तय हो गया ना। अब तो डिबेंचर उसको अलॉट हो गया, समझ आए कि उसको 100 के बदले में कितना लौटाओगे? 110। तो नुकसान कब कंफर्म हो? व्हेन यू हैव अलॉटेड द डिबेंचर। एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं, किस टाइम पे? अलॉटमेंट के टाइम पे। और हम लोग अकाउंट में पढ़ते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी अक्रूवल, पढ़ते हो ना? वहीं पे आपने पढ़ा था एक प्रूडेंट कंसेप्ट। प्रूडेंट कंसेप्ट क्या है? भविष्य में होने वाले नुकसान को आज ही लिख लेना चाहिए। तो ये देखो, ये जो 10 रुपए का हमें नुकसान होगा, ये 10 रुपए का नुकसान, नुकसान तो बाद में होगा। मान लो 6 साल इसकी लाइफ है, तो ये नुकसान कब होगा? 6 साल बाद। लेकिन हम लिखेंगे कब? आज, क्योंकि ये कन्फर्म हो गया अलॉट करते ही। समझ में है? अच्छा, अब लिखने चलेंगे। तो अब यहां आ जाओ, लिखें कैसे? तो ये देखो बेटा, हमें नुकसान होगा तो 10 रुपए का, तो वो 10 का हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखा। क्या लिखा? लॉस ऑन। अब ये भी बच्चे पूछते हैं, सर ये इशू क्यों लिखा है? ये तो रिडेम्पशन के टाइम पे होगा। तो लेकिन बुक कब करोगे? इशू के टाइम पे ही ना। अकाउंट लिखवाता कब है? इशू के टाइम पे। भविष्य के नुकसान आज ही लिख लिए जाते हैं ना, समझ आए? अच्छा, अब डेबिट तो किए बैठे हो, तो सिंगल एंट्री पास करते हो कि डबल? तो कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो अनायास ये एक अकाउंट हम लोग क्रिएट कर देते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, 10 रुपए यहां डाल देंगे। समझ में? चलो बताओ मुझे क्या क्या एंट्री होगी, बताओ एप्लीकेशन की एंट्री। बोलो सब लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। अब अलॉटमेंट की बताना बिना इसके प्रीमियम के, नॉर्मल एंट्री क्या होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, फिर पैसा मिल जाएगा तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। लेकिन अब क्या होगा? हम उसको प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने अलॉट किया तुरंत नुकसान तय हो गया, तो नुकसान डेबिट होगा, तो वो लॉस डेबिट कर देंगे। तो डेबिट करेंगे तो कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा, समझ आए? तो क्या क्रेडिट होगा? डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, ये क्रेडिट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? और क्या करेंगे? जैसे मान लो डिबेंचर की लाइफ 10 साल की है, तो 10 साल में ये नुकसान राइट ऑफ हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा। 10 साल में कहाँ चला जाएगा? पीएल में। चल ध्यान से सुनना बेटा, बोलो यहां तक क्लियर हो गया? अब अगली एंट्री और इंपॉर्टेंट है, तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, वो सवालों में नहीं आएगी, ऐसे देख लो। अब ये देखो, जैसे मान लो लॉस यहां डेबिट हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? हर साल मान लो 3 साल इसकी लाइफ बची है, तो पीएनएल टू लॉस पीएल में भेज भेज के इसको खत्म कर देंगे। बोलो क्लियर है? अभी भी ये बचा रहेगा। क्या बचा? डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अभी भी बचा है। तो जब यहां पैसा देंगे ना डिबेंचर को, जब वापस करेंगे, कब? रिडेम्पशन के टाइम पे। कब बेटा? तो देखो, जब पैसा लेते हो तो क्या एंट्री बनाते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो लौटाओगे तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। लेकिन डिबेंचर 100 का है, वापस करोगे 110, तो 10 रुपए से ये डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। कब? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। अब कहानी समझ आई क्या? चलो मुझे बताओ, ये एंट्री तो ठीक है, ठीक है। अब बताओ यहां पे क्या एंट्री हुई? पहले हमने नॉर्मल, रटना मत, समझना, क्योंकि अभी अगले केस में और कॉम्प्लिकेटेड होगा। लॉजिक क्लियर होगा तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। पहले हम यूजुअल एंट्री डाल देंगे, क्या? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब भविष्य में एक नुकसान होना तुरंत तय हो गया जैसे ही आपने डिबेंचर अलॉट किया, तो वो नुकसान क्या होना चाहिए? नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट हो जाएगा, तो उसको किसी भी नाम से लिख दो। जनरली हम लोग लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट कर दिया। अब कुछ क्रेडिट करने के लिए चाहिए, तो क्या क्रेडिट करेंगे? डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अब ये जो नुकसान है, ये कहाँ? धीरे धीरे टुकड़ों में पीएनएल में चला जाएगा, बचेगा इसका बैलेंस।
ये कब खत्म होगा? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब वापस करोगे। तो क्या उनको वापस करने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर टू बैंक, लिए 100 लौटाओगे 110, एंट्री मैच नहीं करेगी, तो वो 10 का बैलेंस कहाँ होगा? डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम में, उसको डेबिट मार के बराबर कर देंगे। समझ में? ये है इसकी कहानी। आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 4 किया कि नहीं हम लोगों ने? अभी कौन सा किया था? 3, पहले 4 करेंगे। 4 क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलो पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा कह रहा है, स्क्रीन पे देखो सब लोग, कह रहा है मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4,12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 70 रुपए, 70 और 30 हुआ 100। 100 का 100 में इशू किया। आगे पढ़ो। द डिबेंचर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा इनको मिल गया। एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू डिबेंचर आर रिडीमेबल एट 110 पर शेयर, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो ये 10 रुपए का नुकसान। 100 का डिबेंचर कितने पे रिडीम कर रहे हो? 110 पे। तो 10 रुपए कहां लिखेंगे? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। कहां लिखोगे? क्यों लिखोगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट? क्योंकि जब हमने डिबेंचर अलॉट किया तो डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कंपनी को 110 देना ही पड़ेगा, तो नुकसान कंफर्म हो गया। समझ में? चलो अब आइए एंट्री शुरू करते हैं। तो 4,00,000 × 30 कितना हुआ? 1,20,00,000। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2,12% डिबेंचर, एप्लीकेशन 1,20,00,000, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 12%। अच्छा अभी इस पैसे को ट्रांसफर कर दो। 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, पूरा 12,00,000, ये 120,00,000, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, तो 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 12% डिबेंचर टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। अब ये डिबेंचर हैं 4,00,000 के और 70 ले रहा है इस पे, तो अब ये हो गया ऐसे 4,00,000 × 70 यहाँ आएगा, 10 रुपए ज़्यादा दे रहे हैं तो 4,00,000 × 10 यहाँ आएगा, 4,00,000 × 70 ये चला गया डिबेंचर में और 4,00,000 × 10 ये यहाँ आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। दो करोड़ 80,00,000 हो गया ये। ये कितना आएगा? 40,00,000 और वही 40,00,000 यहां चला जाएगा।
और 2 करोड़ 80 लाख यहाँ आ गया। भविष्य में होने वाला नुकसान आज ही हम लोगों ने बुक कर लिया एज पर प्रूडेंट कंसेप्ट। अब पैसे कलेक्ट कर लो तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट पूरा 2 करोड़ 80 लाख। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया। घर पे प्रैक्टिस करो या एग्जाम में करोगे तो ऐसे ही कैलकुलेशन दे दोगे तो और बेटर रहेगा। तो हम लोगों ने कर ली 4 सिचुएशन, पांचवे पे आइए, लिखिए सिचुएशन 5। लिखिए डिबेंचर इश्यूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। हम लोग डिबेंचर को इश्यू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। पहली एंट्री व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जब एप्लीकेशन का पैसा मिला तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन बनी रिसीव When application money transferred, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर being application money transferred being application money transferred आगे लिखिए when allotment is due तो entry होगी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट।
और जब पैसे मिल जाएंगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट बीइंग अलॉटमेंट मनी कलेक्टेड बीइंग अलॉटमेंट मनी कलेक्टेड हो गया। चलो अब देखो जरा, टोटल छह सिचुएशन है, ये फिफ्थ है। चलो अब स्क्रीन पे देखो, देखो बेटा अब यहां क्या है, देखो फेस वैल्यू 100 रुपए की है, फेस वैल्यू 100 है, फेस वैल्यू 100 है, 100 का डिबेंचर हमने मान लो 10 के डिस्काउंट पे इशू किया, तो इसका मतलब 90 पे हमने इशू किया और प्रॉमिस किया है 10 रुपये ज़्यादा प्रीमियम पे इसको रिडीम करेंगे, देंगे 110 रुपये, वापस करेंगे 110 रुपये, और 100 का डिबेंचर है, सब लोग सामने देखो, 100 रुपये का डिबेंचर है, बेचा कितने में है हमने, 90 में, बेचा कितने में है और वापस कितने करेंगे, 110, तो इसी को बोलते हैं इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, समझ आया। पहले क्या किया, पार पे बेचना चालू किया, नहीं बिक रहा है तो डिस्काउंट दे दिया, तब भी नहीं बिक रहा है तो रिडम्पशन किया प्रीमियम पे, तब भी नहीं चल रहा है तो डबल डिस्काउंट है इसमें। आप देखो इंटरेस्ट अलग मिलेगा, इंटरेस्ट हमेशा किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे, किस पे मिलेगा, तो देखो पब्लिक को कितना फायदा, 10 रुपये इधर बच रहे हैं, 10 इधर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 20 ये हुआ, इंटरेस्ट अलग मिलेगा और अपना पैसा तो वापस हो ही जाएगा, समझ आए। तो इसके लालच में पब्लिक ये डिबेंचर खरीदती है। अब आइए समझते हैं एंट्री क्या होगी, तो मैं इसी में आपको समझा देता हूँ। देखो अब मान लेते हैं बेटा ये 90 रुपीज़ का हिसाब किताब ये है, 40 रुपये ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, बचा हुआ 50 रुपये ले रहे हैं अलॉटमेंट पे, 40 रुपये ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, 50 रुपये ले रहे हैं अलॉटमेंट पे, बताओ एप्लीकेशन पे कितना पैसा ले रहे हैं, 40 रुपये। अब यहाँ आ जाओ एंट्री, ध्यान से सुनना आप, तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये हो गया 40, बोलो ये समझ में। अच्छा अब देखो बेटा अभी तक नुकसान तय नहीं हुआ है, नुकसान कब तय होगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, कब फिक्स होगा, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब बारी आई अलॉटमेंट ड्यू करने की, खूब ध्यान से देखना, तो अब अलॉटमेंट पे 50 रुपये ले रहे हैं, तो अब ऐसे लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और पैसे ले लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, यहाँ तक ठीक है। अब इस पे दिमाग लगाना ध्यान से एकदम पूरे फोकस के साथ। अब सुनो बेटा, अब यहाँ अकाउंटिंग हम लोग करते हैं प्रूडेंट बेसिस पे, किस बेसिस पे, प्रूडेंट बेसिस पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, प्रूडेंट बेसिस पे, प्रूडेंट कंसेप्ट में लिखा है प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस, भविष्य में होने वाले नुकसान को हम लोग लिख लेते हैं ना इमीडिएटली। तो अब देखो बेटा यहां क्या क्या नुकसान हो रहा है, पहले एक तो हमने 100 का डिबेंचर 90 में दिया, 10 का डिस्काउंट दिया, बोलो, तो एक तो नुकसान वो हुआ, तो 10 रुपये का नुकसान हमने वो लिखा, हमें नुकसान हुआ ना, 100 रुपये का डिबेंचर हमने कितने में दिया, हमने 90 रुपये में दिया, तो अब उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे,
उसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। मैंने क्या बोला था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में इसको लिख लेंगे बेटा। और दूसरा, जब हम प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो 10 का नुकसान फिर होगा ना हमारे पास, बोलो, वो भविष्य में होगा, लेकिन लिखा कब जाएगा, आज ही, तो वो भी इसी में ऐड किया जाएगा। तभी यहां वर्ड क्या यूज किया, लॉस ऑन इशू, डिस्काउंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस ना, समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अभी मैं ये एंट्री करूं, देखो अभी मैं ये एंट्री करूं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और फिर लॉस, फिर डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, तो आगे चल के अभी लेजर बनाने हैं, तो अनायास एक लेजर और बन गया ना इसका। हम जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो भी हमारे लिए नुकसान है, और जो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं वो भी तो नुकसान है, तो जितने नुकसान है ये, और ये सब कब होते हैं, एट द टाइम ऑफ इशू, कब होगा, एट द टाइम ऑफ, तो क्या करते हैं वो सब इकट्ठा हम लोग वहीं पे डेबिट कर देते हैं, समझ आया ना? तो वो हम बेटा वो हम यहां लिखेंगे और उसी नुकसान को हम लोग यहां पे क्रेडिट कर देंगे। मतलब इसी में क्या क्या है, इसी में डिस्काउंट भी है, इसी में प्रीमियम भी है, क्या क्या है इसमें, डिस्काउंट और प्रीमियम। एक क्वेश्चन से और बढ़िया समझ में आएगा, और फटाफट चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखो बेटा क्या है, टाइम बचाने के लिए इसमें मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन खुद से कर लेना ये। चलो देखो क्या लिखा है, पढ़िए, लिखा है एग्रोटेक लिमिटेड इशूड 150 लाख 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 6%। बताओ ये 6% किस चीज का निकलेगा, 6% किस चीज का निकलेगा, हमेशा फेस वैल्यू का, प्रीमियम हो डिस्काउंट हो ये सब किस पे निकालते हो, फेस वैल्यू पे। तो इसका मतलब डिबेंचर 100 का है, हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 6 रुपए का, तो कितने में दे रहे हैं, 94 में, कितने में दिया, आगे पढ़ो, रिडीमेबल, ध्यान से सुनना बेटा, ये देखो ऐसे हमारा डिबेंचर 100 का है और 100 के बदले में 6 का डिस्काउंट देके हम पब्लिक से ले रहे हैं 94, और कह रहे हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, और इसको जब वापस करेंगे तो 100 पे 5% और ऐड करके वापस कितना करेंगे, 105 रुपए। हमेशा डिस्काउंट और प्रीमियम किससे काउंट होगा, फेस वैल्यू से, आफ्टर 3 ईयर। अब हमसे कह रहा है 50 ऑन एप्लीकेशन 44 ऑन अलॉटमेंट पास जनरल एंट्रीज, तो 50 रुपए ले रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो चलो पहले एप्लीकेशन वाली एंट्री करते हैं, इस पे तो कोई दिक्कत होती नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन बींग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब यह नरेशन बेटा खुद से लिख लेना, अब डायरेक्ट ये लिख रहा हूं मैं, देखो जरा क्या लिखा है, 150 लाख है और एप्लीकेशन पे हम कितना ले रहे हैं, 50 रुपए। तो यहां लिख दिया फिगर्स इन लैक्स में हम भी फिगर लिख रहे हैं, 150 लाख डिबेंचर है, एप्लीकेशन पे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं 50 रुपए, मल्टीप्लाई कर लो, 150 लाख मल्टीप्लाइड बाई कितना था, 50, और ये आ जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन 15 5 75, तो 7500 लाख, ये तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया। अब नरेशन खुद से कर लेना, अब इसको ट्रांसफर कर दो, तो हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर का रेट दिया है 9%, डिस्काउंट 6% है ना, डिबेंचर का रेट 9% है, तो यहां लिखेंगे टू 9% डिबेंचर, तो ये जो 7500 मिला
ये पूरा हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। अब यहां अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो अब होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, फिर एक लाइन छोड़ के, टू 9% डिबेंचर टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, अब एक मिनट देख लो सब बच्चे। अब ये जब मैं पूरी एंट्री कर लूं तब उसके बाद लिखना। सामने देखिए, अब बताओ ये एप्लीकेशन वाला तो निपट गया। अब बताओ बेटा एप्लीकेशन वाला तो निपट गया, अलॉटमेंट पे ये कितना पैसा ले रहे हैं? 44 ले रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा ले रहे हैं? 44 ले रहे हैं। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, देखो कितना पैसा ले, ये बताओ एक डिबेंचर कितने का था? अब रिप्लाई करो तभी समझ में आएगा। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू कितनी थी? तो आप पार पे इश्यू करो, प्रीमियम पे करो, डिस्काउंट पे करो, डिबेंचर में तो जाएगी फेस वैल्यू। बोलो डिबेंचर में क्या जाएगा? और उसमें देखो नोटिस करना, ₹50 जा चुका है कि नहीं? ₹50 जा चुका है, बचा कितना है? ₹50। अभी मुझे लिखने देना, उसके बाद करना। तो ये देखो 150 लाख पे ₹50 के हिसाब से इसमें तो जाएगी फेस वैल्यू। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा अब आगे देखिए, लेकिन होगा क्या, 150 लाख डिबेंचर पे आप क्या कर रहे हो? 50 के बजाय ले रहे हो खाली ₹44। अरे क्वेश्चन में लिखा है ना, तभी तो डिस्काउंट बनेगा। कितने ले रहे हैं? 44 ऑन अलॉटमेंट, 44 ले रहे हो ना। तो अब बेटा इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 150 × 44 तो ये आता है 6600। तो इसका मतलब मिला कितना होगा? 6600। बोलो समझ में आ रहा है? मुझको लॉजिक बताओ, यहां मैंने ₹50 क्यों लिखा? क्योंकि डिबेंचर के अकाउंट में हमेशा कितना जाएगा? फेस वैल्यू। और यहां पे लिख दिया जो हमें मिला। बोलो ठीक है। अच्छा अब ये बताओ बेटा, देखना सब बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? 150 लाख डिबेंचर पे हमें ₹6 नहीं मिला ना, ₹6 नहीं मिला, तो लॉस है कि नहीं है? बोलो लॉस है। फिर देखो दोबारा, और हमने क्या बोला है? हमने कहा है हम इसको 100 का कितने में वापस करेंगे? 110 कितना था? यही तो था इसमें, 105% हम 105 देंगे। तो ये देखो बेटा, इसका मतलब भविष्य में हमें ₹5 का लॉस हर डिबेंचर पे होगा, जो अलॉटमेंट करते टाइम ही फिक्स हो जाएगा। तो वो नुकसान भी आज ही लिखोगे? आज ही लिखोगे ना वो? तो अब ऐसे लिखेंगे, अब यहां पे प्लस 150 लाख पे ₹5 का नुकसान। समझ में? 150 लाख पे ₹5 का नुकसान। अब जरा देखते हैं कितना आएगा, 150 × 6 तो ये तो आ गया 900, ये वाला आ रहा है 900, और ये वाला आएगा 750, ये वाला आएगा 750। जरा जोड़ो बेटा दोनों, 1650। तो यहाँ आएगा 1650। अब रुक के एकदम स्थिरता से, कोई जल्दबाजी नहीं, इसी में गड़बड़ होता है। मुझको बताओ पहले इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है? कितना लिखे? अब देखो ऐसे रटना मत, समझो। देखो अब क्या है, अब यहां ऐसे लिखा है भाई, ये क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, क्या है ये? तो इसमें खाली प्रीमियम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? तो 150 लाख डिबेंचर पे आप ₹5 का प्रीमियम दोगे ना, तो ये आया 750। यहां क्या लिखेंगे? 750। अब इसका टोटल करके इसका टोटल करके देख लो, मैच कर रहा है, लेकिन सारे अमाउंट अलग अलग है। कहानी ये है इसका। फिर से बताऊं मुझे ये बताओ क्या है? सब लोग बताओ ये क्या लिखा मैंने?
जो हाईलाइट किया है बताओ, ये क्या है? डिस्काउंट है। अच्छा, और ये वाला क्या है? प्रीमियम है। अब डिस्काउंट, अच्छा, और ये क्या लिखा हमने? ये प्रीमियम है। अच्छा, ये नुकसान क्या होगा? जो इसकी बची खुची लाइफ है उसमें राइट ऑफ कर करके कहाँ डाल देंगे? पीएनएल में, फिर आखिरी में यही बचेगा। तो वो जो पहले एंट्री बताई थी वही एंट्री होके ये खत्म हो जाएगा। समझ आए? अब पैसे कलेक्ट कर लो। तो पैसे कलेक्ट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री देख के बताओ पैसा कितना मिलेगा अलॉटमेंट पे। सेकंड एंट्री देख के बताओ अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा? 6600। बाकी तो नुकसान नुकसान बुक कर रखा है ना हम लोगों ने। ये था बेटा आपका क्वेश्चन। चलो अभी यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा।